भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान ज्वाली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। ज्वाली पहुंचने पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनको देखने और सुनने के लिए उपस्थित रहे। भाजपा से प्रत्याशी अर्जुन ठाकुर ने जहां उनका स्वागत किया, वहीं प्रदेश की भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जम्मू और कश्मीर के वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी लाल सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जुबानी प्रहार किए, वहीं प्रदेश की सरकार को भी जमकर कोसा। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के 3 सालों का हिसाब मांगने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी सबसे पहले वीरभद्र से हिसाब मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में 10 वर्ष तक रही तो उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले जैसे अरबों रुपए के घोटाले किए। वहीं आज 3 वर्ष के बाद भी मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ये सबसे बड़ा हिसाब है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार को बजट मुहैया कराया, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें अमलेजामा नहीं पहनाया, क्योंकि इस सरकार को डर था कि इससे कहीं मोदी की लोकप्रियता न बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र के साथ प्रदेश में भी कमल खिलना जरूरी है, इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट कर केंद्र की हाथ मजबूत करें। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जवानी हमला करते हुए कहा कि जहां देश में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वहां वीरभद्र के साथ उनके परिवार, यहां तक कि नौकरों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पूरे का पूरा परिवार जमानत पर है। उन्होंने कहा कि कैंग की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार ने 20,000 का कर्ज प्रदेश को दिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना जरूरी होता है, लेकिन वो पैसा प्रदेश के विकास कार्यों के बजाय इधर उधर खर्च कर गबन किया गया है। उन्होंने प्रदेश में माफिया राज होने की बात कही। उन्होंने प्रदेश में विकास न होने के पीछे 5-5 वर्ष के लिए कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा बहुमत 2 की कांग्रेस को समूल उखाड़ फेंके जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक देव भूमि ही नहीं बल्कि एक वीर भूमि भी है और सबसे ज्यादा जवान इस भूमि ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार दशकों शासन करने के बाद भी वन रैंक वन पेंशन सैनिकों को नहीं दे पाई, जबकि मोदी सरकार ने 1 वर्ष के भीतर ही सैनिकों को उनका हक दिया है। मित्रों, एक ऐसी सरकार बनाइए जो हिमाचल के भविष्य का निर्धारण कर ले, मेरे हिमाचल के युवा को पहाड़ छोड़कर नीचे ले जाए। क्या कर दिया इस देवभूमि को 5 साल में वीरभद्र सिंह? अरे देवभूमि छोड़ो, अपने परिवार का क्या कर दिया? एक भी बंदा परिवार में ऐसा नहीं बचा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। देश भर में तो व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, यहाँ के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, नौकर चाकर पर भी लग गया। और वो कहते हैं मैं ही लड़ूंगा, और कांग्रेस कहते हैं उनको ही लड़ाएंगे। भैया लड़ा लो, मगर इस बार हिमाचल वाले परिवर्तन करने जा रहे हैं, यहाँ कमल खिलेगा। चुनाव होने जा रहा है, 18 तारीख को मतगणना होगी, परिणाम मुझे मालूम है क्या आने वाला है, मगर मैं ज्वाली वालों को कहना चाहता हूं कि अभी भाई अर्जुन ठाकुर ने बताया कमल की सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए और उस हार पर फेंक दीजिए कांग्रेस पार्टी को, मगर ये परिवर्तन क्यों करना है भाई, क्यों करना है? अर्जुन जी को विधायक बनाने के लिए ना, इसके लिए नहीं करना है। कोई विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हिमाचल में परिवर्तन नहीं करना है। हिमाचल की व्यवस्था बदलकर ये देवभूमि मॉडल राज्य बने, इसके लिए परिवर्तन करना है। कैग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 20,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल सरकार ने लिया है। कितने करोड़ का? मुझे कोई आपत्ति नहीं, हिमाचल के युवाओं की रोजगारी के लिए कोई कर्जा ले कोई आपत्ति नहीं, अच्छे रोड बना डाले कोई आपत्ति नहीं, हाइड्रो पावर
स्टेशन बने, कोई आपत्ति नहीं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई खर्च करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों के पोषण के लिए खर्च करे, कोई आपत्ति नहीं है। मगर केग आगे क्या कहता है, ये 20,000 करोड़ का जो ऋण लिया वो योजनाओं में खर्च होने की जगह इधर उधर खर्च करके गबन कर दिया। बोलो भैया, ऐसा चलता है क्या? तो करना चाहिए मित्रों, हिमाचल की जनता का जवाब मांगने का समय आ गया है। फिर बता